सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ में आज हम लोग जो हैं छात्र राष्ट्रीय जनता दल और पूरे समाजवादी लोग जो है आज जेपी जी की प्रतिमा के समीप जो है हम लोग प्रण लिए हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकें। मोदी जी को आप कहिए ना, जो माइक आप मुझसे पूछ रहे हैं मंदिर के बारे में, यही माइक लगाइए नरेंद्र मोदी के पास और पूछिए उनसे कि कहाँ है 2 करोड़ रोजगार। मुजरा करती थी स्मृति ईरानी, अब मुजरा भूल गई हैं क्या स्मृति ईरानी? मुजरा हम लोग याद दिलवा दे क्या? देश मोदी जी है क्या? मोदी जी देश है क्या? हमारा डंका बज रहा है, मोदी जी देश है क्या? न बाइबल से चलेगा, न कुरान से चलेगा, यह देश संविधान से चलेगा। इस देश में जब तक संविधान है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से देश चलेगा, ना किसी मनोवादी के विचारधारा से चलेगा। अरे सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन जब जब सरकार तानाशाही की ओर चली है, बिहार से एक मजबूत आई है, हमारे पास समाजवाद है, सामाजिक न्याय की ताकत है और जनता उसी सिद्धांत को भरोसा करती है और उसी सिद्धांत के साथ आगे बढ़ने वाली है। नमस्कार, मैं रवि, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पे है और हमारे साथ छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष गगन यादव जी होंगे। और मैं आपको बता दूं कि आज के ही दिन 1974 को इमरजेंसी लागू हुई थी, उसके खिलाफ जिस प्रकार से जेपी ने छात्र आंदोलन को खड़ा किया था, आज 49 साल हुए हैं उसी को याद करते हुए उनको याद किया जा रहा है। क्या मकसद था, काफ़ी भीड़ में आप लोग यहाँ पर आज जुटे थे? देखिए, आज का दिन जो है ऐतिहासिक दिन रहा है। 18 मार्च 1974 को जो है पटना विश्वविद्यालय से शुरुआत हुआ था और पूरे देश तक जो है बिहार आंदोलन हुआ था। जेपी मूवमेंट के नाम से लोग जाना जाता है, इमरजेंसी के खिलाफ, जो कि उस टाइम का जो मकसद रहा था, मांग मतलब आंदोलन का, केंद्र की जो तानाशाह सरकार थी उस टाइम भी महंगाई, बेरोजगारी, लोकतंत्र का मतलब हत्या करना, तानाशाही, उसके खिलाफ में विपक्ष को जेल में डाला जा रहा था। सत्ता परिवर्तन का आगाज उस टाइम भी हुआ था, विपक्षियों पर गोली बरसाया जा रहा था और आज भी वैसा ही माहौल पूरे देश में चल रहा है। मोदी जी तो क्लेम कर रहे हैं सबसे मजबूत लोकतंत्र अभी के दौर में है। कौन सा लोकतंत्र? देश में, पूरे वर्ल्ड में मोदी जी का डंका बज रहा है। मोदी जी का ये कौन सा लोकतंत्र है कि जिस मामले को लेकर के कई बार क्लीन चिट मिल चुका है, उसी मामले पे बार बार सीबीआई, ईडी, कुछ मिलना जुलना है नहीं, बस केवल केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करना। अब बताएं ना भाई, जिस तरह से लगातार पूरे देश में मात्र एक ही नेता ऐसा है जिस पे छापामारी पे छापामारी, क्या मिल रहा है? कुछ मिल रहा है नहीं ना मिल रहा है। मनीष सिसोदिया भी तो जेल में गए हैं। तो मनीष सिसोदिया जेल में गए हैं तो उसका क्या मामला रहा है? क्या आप लोग का क्या क्लेम है कि विपक्षी नेताओं को जो है? आप लोगों को हम बस एक ही बात बता देना चाहते हैं कि जिस तरह से लगातार केंद्र सरकार जो है तानाशाही रवैया अपना चुकी है, जिस तरह से दिन दहाड़े लोकतंत्र की हत्या हो रही है, मतलब देश में जो है लगातार बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, महंगाई चरम पे है, उसके खिलाफ में सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ में आज हम लोग जो हैं छात्र राष्ट्रीय जनता दल और पूरे समाजवादी लोग जो है आज जेपी जी की प्रतिमा के समीप जो है हम लोग प्रण लिए हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। मोदी जी मंदिर तो बनवा रहे हैं, फिर क्या दिक्कत है आप लोगों को? हमें रोजगार नहीं मिलेगा उस मंदिर से। आए थे 2 करोड़ रोजगार के नाम पे, मोदी जी आए थे कि 15-15 लाख रुपए हर गरीब को देंगे, कहाँ है? सवाल पूछिए मोदी जी से कि 2 करोड़ रोजगार का जो सवाल था, मंदिर बनवा दिया ना? अरे भैया, मंदिर बनवा दिया बहुत अच्छी बात है, मोदी जी ने नहीं बनवाया है, माननीय न्यायालय का फैसला था उस पे बन रहा है, मोदी जी न्यायालय से ऊपर है क्या? मुस्लिमों को टाइट रखते हैं मोदी जी, आप लोग का क्या, आप लोग नहीं चाहते हिंदू राष्ट्र बने? अरे भैया, रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? रोजगार पे बात क्यों नहीं होती है इस देश में? रोजगार मुद्दा है कि नहीं है? रोजगार पे इस देश में क्यों बात नहीं होती है? मोदी जी को आप कहिए ना, जो माइक आप मुझसे पूछ रहे हैं मंदिर के बारे में, यही माइक लगाइए नरेंद्र मोदी के पास और पूछिए उनसे कि कहाँ है 2 करोड़ रोजगार, और अगर 2 करोड़ रोजगार नहीं है तो किस हक से वो शासन कर रहे हैं, किस हक से सत्ता पर बैठे हुए हैं? क्या इसी दिन के लिए उन्होंने सत्ता संभाला था? आज देश 50 साल पीछे जा चुका है, वो देश जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था और लगातार हम तमाम देशवासी मिलकर बज रहा मोदी जी का, चाइना थर थर कांप रहा है। चाइना कहाँ थर थर कांप रहा है?
ये सिर्फ चाइना कितना की हवा टाइट है, चाइना कितना अंदर घुसा है हमारे यहाँ। कहाँ महंगाई, मोदी जी नहीं रहते 500 रुपये पेट्रोल होता। अरे भाई हजारों, अभी कितना है पेट्रोल, अभी कितना है पेट्रोल, 50 कितना है, कुछ नहीं है, महंगाई नहीं है। गैस कैसे है, यही सुनिए, नहीं रहते 5000 रुपये होता। यही स्मृति ईरानी, जब गैस का दाम 600 रुपये था तो रोड पे मुजरा करती थी, नहीं मुजरा करती थी स्मृति ईरानी। अब मुजरा भूल गई है क्या स्मृति ईरानी, मुजरा हम लोग याद दिलवा दे क्या? तो मुजरा की थी और अब तुमको जनता से कोई मतलब नहीं है। तो अब हम लोग सुनिए सुनिए, सत्ता का जो चार पाया होता है ना, वो चारों पाया एक बार खिसकेगा और इसी बिहार की धरती से शुरुआत होगा और उस क्रांति के लिए हम लोग तैयार है। और ये देखिए जयप्रकाश जी के प्रतिमा के नीचे आज हम लोग ये प्रण लेते हैं कि मोदी की जो सत्ता है और सत्ता के नीचे जो कुर्सी के चारों पाया है ना, वो इसी बिहार की धरती उखाड़ कर दिखाएगा उनको। और इस चीज को आप याद रख लीजिएगा। आप लोग देश को कमजोर कर रहे हैं। मोदी जी, मोदी जी देश है क्या? मोदी जी देश है क्या? मोदी जी देश है क्या? देश मोदी जी है क्या? मोदी जी देश है क्या? हमारा डंका बज रहा है। मोदी जी देश है क्या? देश बनता है, देश बनता है, संविधान है, न बाइबल से चलेगा, न कुरान से चलेगा, यह देश संविधान से चलेगा। जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र ये देश कभी नहीं बनेगा। हिंदू राष्ट्र से क्या तकलीफ है आप लोगों को? हिंदू राष्ट्र से इसलिए तकलीफ है क्योंकि इस देश में संविधान हिंदू को हिंदू के तर नाम से जीने के लिए अधिकार है। मुस्लिम, चूंकि संविधान हिंदू हिंदू को जीने का अधिकार देता है, उतना ही इस्लाम को अधिकार देता है, बाइबल को अधिकार देता है। इस देश में जब तक संविधान है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से देश चलेगा, ना किसी मनोवादी के विचारधारा से चलेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने 25 दिसंबर 1925 को संविधान के प्रतीकों उन्होंने मनुस्मृति के प्रतिकोपी को दहन किया था। और आज 18 मार्च 1974 के जेपी आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में हम छात्र राष्ट्रीय जनता दल के सभी छात्र मिलकर आज ये प्रण करते हैं कि भाजपा के मोदी सरकार को भगाना है और इस देश में सामाजिक क्रांति के साथ साथ जेपी मूवमेंट को मजबूत। अब एक बार साफ साफ स्पष्ट तौर पर सुन लीजिए, जितना इस देश को बर्बाद करने में मोदी का हाथ है, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, उतना ही हाथ गोदी मीडिया का भी है। सुनिए सच दिखा रहा है, सुनिए सुनिए, मीडिया अगर सच दिखाता ना तो मीडिया ये पूछता कि रोजगार कहाँ है, महंगाई का क्या हुआ, पेट्रोल डीजल के दाम कम क्यों नहीं हो रहे। लेकिन आपका सवाल क्या है? सच्चा मीडिया को आप लोग जेल में डाल देते हैं। आपका सवाल क्या है? जेल में चला गया। सुनिए ना, मनीष का सब क्या किया है, आप अपनी बात करिए। आप पत्रकार हैं, आप जनता के जायज सवालों को लेकर के आइए। मंदिर मस्जिद का मुद्दा छोड़िए, रोजगार और महंगाई से मिल रहा है ना वोट, कहाँ वोट वहाँ से मिल रहा है? भाजपा को कितना परसेंट वोट मिला है? जीत के आए ना, कितना परसेंट भाजपा को वोट मिला है मालूम है? सरकार तो उन्हीं का है। किसका सरकार है? अरे सरकारें आती जाती रहती है, लेकिन जब जब सरकार तानाशाही की ओर चली है, बिहार से एक मजबूत आई है। और हम इस सरकार को आप, मैं इसी प्रतिमा के नीचे आपको ये याद दिला रहा हूँ, एक आखिरी आप अच्छा बोल रहे हैं, एक आखिरी सवाल आपसे हम लेंगे कि भाजपा के पास हिंदू मुस्लिम का USP है, वो उसके पास CBI है, ED है, आप मीडिया उसके साथ में, आपके पास क्या है? हमारे पास समाजवाद है, हमारे पास समाजवाद है, सामाजिक न्याय की ताकत है और जनता उसी सिद्धांत को भरोसा करती है और उसी सिद्धांत के साथ आगे बढ़ने वाली है। समाजवाद जिंदाबाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। लगातार जिस प्रकार से नेता के साथ साथ जनता भी मीडिया के खेल को और मोदी जी के USP को समझ पा रही है, निश्चित तौर पे 2024 में इसका नतीजा क्या होता है, क्या प्रभाव इसका पड़ेगा, यह भी देखने वाली बात होगी। पूरी बातचीत कैसे लगी अब अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।